तो आज हम लोग मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को कहा जाता है रोटेशनल मोशन, और इसका एक दूसरा नाम भी इस चैप्टर का कहा जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, और किसी आप देखेंगे किसी साल में, जैसे 2012 में इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि क्वेश्चन जो है कई बार काफी मुश्किल हो जाते हैं, उनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको समझा जाता है और इतना हाइप बनाया गया है ना। आप देखेंगे कि जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने वहां पर समझाया था कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने पढ़ा था वही चीज हम लोग रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। वहां की जो थ्योरी है, जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में जो थ्योरी पढ़ा, वही सारी थ्योरी जो है फिर से रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में रिपीट होती है। ठीक, तो वहां पर मैंने सिमिलरिटी बताया था, वो सिमिलरिटी जो है फिर से आप देख सकते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो रोटेशनल मोशन जो है वो जेई के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो है, स्पेशली काइनेमेटिक्स पार्ट, वो हमें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक, और एक चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। लोगों को लगता है कि रोटेशनल मोशन जो है बहुत ही ज्यादा टफ चैप्टर है ना, जबकि आप आराम से पढ़ेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। मतलब अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही सारी थ्योरी फिर से उसमें रिपीट होती है, रोटेशनल मोशन में जाकर के रिपीट होती है या सर्कुलर मोशन में रिपीट होती है। बस हमें यह समझना होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका किस तरह से यहां पर यूज करेंगे, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ नए नए क्वांटिटीज आ जाते हैं, वो नए नए क्वांटिटी छोड़ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में बहुत सारी सिमिलरिटी है, इनफैक्ट एक जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है पहले मैं वो बताना चाहूंगा, उससे क्या होगा कि एक तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि रोटेशनल मोशन बहुत ही ज्यादा टफ होता है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। जो अभी तक हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन में, अगर वो मुश्किल नहीं लगा, अगर वो आसान लगा है, तो रोटेशनल मोशन भी सर्टेनली आसान लगेगा। तो पहले मैं बताता हूं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ा और आगे जो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है ना। तो सबसे पहला जो है, हमने ट्रांसलेशनल मोशन में एक क्वांटिटी पढ़ा था जिसको हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन का वो क्वांटिटी है, इसलिए मैं उसको यहां पर लिखूंगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम लोग वहां पर सिंबल क्या देते थे, डेल्टा एस, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता था और इसको सिंबल देते थे डेल्टा एस। वैसे ही सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको एक सिंबल देते हैं डेल्टा थीटा, यह भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने एक क्वांटिटी पढ़ा था वेलोसिटी, मैं यहां पर उसको लिखूंगा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन वाले वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये जो वेलोसिटी होता है वी, इसको हम लोग लिखते हैं डीएस बाई डीटी। वैसे ही सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको सिंबल दिया जाता है ओमेगा, और इसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं डीएस बाई डी टी, वैसे उसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर नहीं भी लगा सकते, है ना।
वैसे चूंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर लगाना चाहिए, फिर भी कई बार हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मानकर चलना है कि वेक्टर है। ठीक, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी के बाद आता था एक क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते थे एक्सेलरेशन, तो उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं लीनियर एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है उसको दो तरीके से लिखते थे हम लोग, एक तो लिखते थे डीवी बाई डीटी, और मैं इधर लिख देता हूं, इसको लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी लिखते थे, और साथ में वी डीवी बाई डीएस भी लिखते थे इसको। तो इसी तरह से सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, इस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, और इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखेंगे अभी तक जो है कहानी एक जैसी चल रही है, यहां एस था वहां थीटा आया, वी को डीएस बाई डी टी लिख सकते थे, यानी इसको डिफरेंशिएट करने से आता है, तो ओमेगा इसको डिफरेंशिएट करने से आता है। ठीक, अब यहां एक्सेलरेशन आया, वी को डिफरेंशिएट करने से आया, तो अल्फा जो है ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से आया, तो वी डी बाई डी एस यहां पर जैसे लिख सकते थे, इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा जैसे लिख सकते थे, है ना। तो अभी तक कहानी एक जैसा चल रहा है। ठीक, अच्छा, जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग एक टर्म पढ़ रहे थे एनर्शिया, और कहते थे कि जो एनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्शिया होगा, इसको हम लोग एम से डिनोट करते थे, है ना। वैसे ही सर रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और ये भी मास पर डिपेंड करता है, साथ में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के अबाउट उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है थोड़ा सा नया क्वांटिटी है, लेकिन काम इसका भी वही है, ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को ये अपोज करता है, ये रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है, इसको हम लोग डिटेल में रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे इसमें आ गया एनर्जिया, उसके बाद इसमें आता है हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये होता है, इसको यहां पर हम लोग पी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं एम इंटू वी। वैसे ही यहां पर आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसको यहां सिंबल दिया जाता है एल, और इसको हम लोग लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। देखेंगे जैसे यहां मास था, मास के जगह पर यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, तो मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी के जगह पर यहां पर ओमेगा रख देते हैं। तो देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये भी बिल्कुल एक जैसा है दोनों में, है ना। उसके बाद इसमें आता है कॉज ऑफ मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का जो कॉज है इसको हम लोग यहां पर कहते हैं फोर्स। फोर्स जो होता है इसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में एक टर्म आता है उसको कहा जाता है टॉर्क, यानी कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसको कहा जाता है टॉर्क, टॉ से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आई अल्फा। जैसे यहां पर एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, यहां पर हो गया आई इंटू अल्फा, मास के जगह जैसे यहां मास था यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहां पर एक्सेलरेशन ए था तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था। तो देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये भी एक जैसा है दोनों का, है ना। अच्छा, इसमें आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। वैसे ही रोटेशन में आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखेंगे यहां भी एम के जगह पर आई आ गया, जैसे यहां एम था यहां पर आई था, और वी के जगह पर ओमेगा आ गया, जैसे यहां वी था वहां ओमेगा था। तो ये वाला फॉर्मूला भी देखेंगे बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना। यानी अभी तक जो कहानी हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसमें से ये जो तीन क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। बाकी जो चार क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। यहां तो क्या है, ये भी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में जाकर के कुछ पढ़ा था, मोमेंटम, फिर फोर्स, ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, है ना। तो कुछ तो सिमिलरिटी ये हो गई। इसके बाद आपको याद होगा कि हम लोग जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कुछ ग्राफ सीखे थे। जो ग्राफ हमने वहां पर सीखा था वो सारे ग्राफ यहां पर यूज आ सकते हैं। जैसे यहां पर हमने तीन तरीके के ग्राफ सीखे, है ना, और यहां पर हमने ये बताया था कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो जैसे अगर यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो है वो बताता था ds बाई dt, यानी कि ये वेलोसिटी बताता था। इसका जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये कुछ नहीं बताता था, है ना, ये हमने सीखा था, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता था। वीटी ग्राफ जो है, इसका स्लोप यानी कि डीवी बाई डीटी, ये जो है बताता था एक्सेलरेशन, और इसका एरिया अंडर कर्व ये बताता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये बताता था। उसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं बताता था, नथिंग, और इसका एरिया अंडर कर्व निकालते थे तो ये बताता था चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी बताता था। बिल्कुल इसी तरह से जब हम सर्कुलर मोशन में जाते हैं तो सर्कुलर मोशन में भी तीन तरह के ग्राफ जो है वो प्लॉट किए जा सकते हैं। ये जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो जाएगा, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो जाएगा, यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर हमें पता करना हो कि किस ग्राफ से कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है, तो बिल्कुल उसी तरह से बता सकते हैं। इसका जो स्लोप होगा ये बताएगा डी थीटा बाई डीटी, ये बताता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे ये वेलोसिटी वी बताता था, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता था। अच्छा, यहां पर हमने क्या देखा कि इसका एरिया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसका भी एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, है ना, यहां भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, तो उसी तरह से ओमेगा टी ग्राफ है, ओमेगा टी ग्राफ का जो स्लोप होगा डी ओमेगा बाई डीटी, ये बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा बताएगा, ये ए बताता था, एक्सेलरेशन बताता था, ये अल्फा बताता है। इसमें एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ओमेगा डीटी, जैसे ये बताता था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वैसे ये बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं बस इसको, डेल्टा थीटा।
अब एटी ग्राफ का जो स्लोप है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था, तो इस अल्फा टी ग्राफ का जो स्लोप है डी अल्फा बाय डी टी, इससे भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना। अगर इसका एरिया अंडर कर्व देखेंगे, एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया अल्फा डी टी, जैसे इसका एरिया अंडर कर्व बताता था चेंज इन वेलोसिटी, इसका एरिया अंडर कर्व बताता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा कहानी है दोनों का, जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में वैसा रोटेशनल मोशन में। ठीक, वैसे ही हमने ट्रांसलेशनल मोशन में चार इक्वेशन पढ़े थे, वो चार इक्वेशन बिल्कुल सर्कुलर मोशन में वैसे ही आते हैं। यहां पर हमने चार इक्वेशन क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर पढ़ा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर पढ़ा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। बिल्कुल ऐसे ही चार इक्वेशन सर्कुलर मोशन में आते हैं जिसको हम लोग अभी आगे डिराइव करेंगे। इसमें आता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। अब जैसे ये इक्वेशन है वैसे यहां भी आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वैसे जैसे ये इक्वेशन है यहां भी आता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जैसे ये होता था डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, वहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड। थीटा एन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। तो आप देखें यहां से वहां तक कितनी सारी सिमिलरिटी है। इनफैक्ट देख सकते हैं कि जो भी थ्योरी हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है वो सारी थ्योरी कहीं ना कहीं सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में आएगी, बस हमें कुछ नए नए टर्म या नए नए क्वांटिटी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नया क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नया क्वांटिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन नया क्वांटिटी है ना। ये तीनों अभी सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी ये भी चार नए क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये चारों नए क्वांटिटी हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो सिमिलरिटी देखा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी आया है, तो रिजिड बॉडी के बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो रिजिड बॉडी क्या होता है हम लोग पहले उसको डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि नाम है आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए, तो वैसे ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहा जाता है। कहा जाता है इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और पॉइंट्स ऑन विच सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स मतलब कि किसी पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, टू पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पर हजारों पॉइंट्स है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी दो पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उन दो पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट यहां ले लेता हूं, ठीक, इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन है,
हो सकता है किसी इंस्टेंट पर ये वाला जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा हो और ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा हो, है ना। तो उस केस में होगा क्या, ये वी टू से जा रहा है, तो अगर सपोज ये थीटा वन एंगल पर जा रहा है और ये थीटा टू एंगल पर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलावा मैं निकालूंगा तो ये आएगा वी वन कॉस थीटा वन, और इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा वी टू कॉस थीटा टू। चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जैसे वी वन कॉस थीटा वन शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2, यानी जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर जाना चाहिए, तभी इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बना रहेगा, है ना, और तभी इसको हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं। तो रिजिड बॉडी में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑन ए रिजिड बॉडी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी जीरो। है ना, कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो पार्टिकल ले लेंगे तो इनके बीच में ना अप्रोच वेलोसिटी होना चाहिए ना सेपरेशन वेलोसिटी होना चाहिए, तभी जो है इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बना रहेगा। ठीक, अब यह भी है कि कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ए ऑन द रिजिड बॉडी अनदर पार्टिकल बी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ ए एज सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में जब बी को देखा जाएगा तो ए अपने आप को स्टेशनरी समझ लेगा, तो बी जो है सर्किल में घूम रहा होगा, तभी जो है उनके बीच का सेपरेशन हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहेगा, क्योंकि सेपरेशन चेंज नहीं करना है, रिजिड बॉडी का ये डिफिनीशन है। ठीक, फिर एक और चीज ध्यान रखना है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी ऑल अदर पॉइंट्स हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटी which is also equal to angular velocity of rigid body। है ना, जैसे मैं बात करूं इसमें कि अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं जितने भी पॉइंट का मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूं तो सारे पार्टिकल्स जो है उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे जितने एंगुलर वेलोसिटी से ये रिजिड बॉडी एक्चुअली में घूम रहा होगा। यानी अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे,
इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वो रिजिड बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। ये जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स रिजिड बॉडी के डिफिनीशन से रिलेटेड है ना, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब जो है, जो किसी रिजिड बॉडी का जो मोशन हो सकता है, वो मोशन कई तरीके का होता है। जैसा कि पहला मोशन हम लोग कहते हैं कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब कि जो रिजिड बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई ब्लॉक है, ये सीधा जो है इस तरह से चल रहा है ना, तो इसके हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जैसे कहेंगे कि अगर ये पॉइंट वन है तो ये पॉइंट वन हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ होगा उतना ही हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये जो पॉइंट टू है इसका भी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उतना ही होगा, अगर ये थ्री माना जाए तो थ्री का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, और जो फोर है फोर का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो भी उतना ही होगा। मतलब कि इसमें जो रिजिड बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। तो इसमें कह सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ सच दैट ऑल द पॉइंट्स हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक, उसी तरह से एक दूसरा मोशन होता है जिसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। मतलब ये जो रिजिड बॉडी है, जैसे ये ब्लॉक हो गया है ना, ये ब्लॉक कुछ घूम करके ये ऐसे गया, इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ देखेंगे तो ऐसे चल रहा है, हर पार्टिकल जो है इसी पाथ पर ऐसे, मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे बिल्कुल पैरेलल चल रहे होंगे लेकिन स्ट्रेट पाथ पर नहीं चल रहे होंगे। ऑल द पार्टिकल्स ऑन रिजिड बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखेंगे कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर इसमें आ जाएगा। और तीसरे टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन का यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है, देखेंगे कि ये एक पुली है ना, और ये एक रिजिड रॉड है जो कि फिक्स्ड है। तो ये जो पुली है इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो इस टाइप के मोशन को जिसमें कि एक्सिस फिक्स्ड हो उसको प्योर रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसमें जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो इसमें होगा क्या कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, है ना, इसमें कंप्लीटली सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। और जो फोर्थ टाइप का मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब हो गया
कि इसमें रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर या रेक्टिलिनियर जो होने पड़ता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन. यहां पर जो हमने ये मोशन पढ़ा है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, और यहां पर हमने क्या पढ़ा प्योर रोटेशनल मोशन. तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्योर रोटेशनल मोशन को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कंबाइन मोशन आएगा. कंबाइन मोशन होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कार चलता है, तो कार में क्या होता है जो पहिया है वो अपने एक्सिल के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होता है, साथ में जो एक्सिल है वो खुद आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि कार खुद भी आगे जा रही है ना. तो इसमें होता क्या है, जैसे ये व्हील है तो ये रोटेट भी कर रहा होता है और साथ में आगे भी बढ़ रहा होता है. जैसे कार जितना जाएगा आगे उतना ये व्हील भी आगे जाएगा, ठीक, और अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी करता रहता है. तो इस टाइप के जो मोशन है थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ा होगा, है ना. तो इस टाइप का मोशन जो है इसमें, इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन. देखेंगे कि इसमें एक्सिस फिक्स्ड है लेकिन इसमें एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, इसमें एक्सिस जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है. तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो ये टोटल मिलाकर के चार तरीके के मोशन होते हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे. अब ये जो चैप्टर है इसमें एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि बार बार यूज में आता है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है. तो पहले मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूं. आपने एक टर्म पढ़ा जो हमने पढ़ा था सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन बताया था इनर्शिया का डिफिनेशन. इनर्शिया का डिफिनेशन बताया था कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके स्टेट में जो चेंज है उसको वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है. वैसे ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या करता है कि जो रोटेशनल मोशन है रोटेशनल मोशन में चेंज को ये अपोज करता है. मैं एक बार डेफिनेशन इसका लिख देता हूं. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट अपोजेस द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन. जैसा कि हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था उसका डिफिनेशन बिल्कुल ऐसा ही था, कहा था इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट या ट्रांसलेशनल मोशन, एक ही बात है. तो यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन आता था, यहां पर रोटेशनल मोशन आ गया है. वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन आता था, यहां पर रोटेशनल मोशन आ गया है. तो ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता था इनर्शिया, और रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो हो गया डिफिनेशन, है ना. तो जैसा कि हमने वहां पढ़ा था इनर्शिया, थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में मैं आइडिया दे देता हूं. इनर्शिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना. तो हमने वहां बताया था कि अगर अपने पास एक कार है, मान लेते हैं कि अपने पास एक कार दे दिया गया है और एक मोटरसाइकिल है, ठीक. अब दोनों जो है सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये भी वी से जा रहा है और ये भी वी से जा रहा है. दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर जाकर के रोकना है, तो मुझे किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार पर क्योंकि कार का मास ज्यादा होता है.
मास ज्यादा होने से क्या होगा, इसके पास कार के पास इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो ये ज्यादा अपोज करता है और इसलिए इस पर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। फिर से मैं इस एग्जांपल के बाद समझा दूं, यहां पर एक मोटरसाइकिल है और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना, तो होगा क्या, इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर हमें यहां पर रोकना है, तो रोकने के लिए हमें कार पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, बाइक पर फोर्स कम लगाना पड़ता है। कारण यह है क्योंकि कार के पास जो मास है वो ज्यादा है, मास ज्यादा होने से क्या होगा कि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो क्या होगा, ये चेंज को अपोज भी ज्यादा करेगा। चेंज क्या हो रहा था, ये वी वेलोसिटी चल रहा था, इसको रोकना था, यहां वेलोसिटी इसकी जीरो करनी थी, तो इस चेंज को ये ज्यादा अपोज करता है क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज्यादा है यानी कि मास ज्यादा है और इसलिए इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक, तो ये जो इनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मास के प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई मास जो है वो घूम रहा होगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा होगा, जब घूम रहा होगा तो एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, तो एक्सिस से जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतनी ज्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, साथ में डिस्टेंस के जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं मास इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, जो एक्सिस से डिस्टेंस बताया उसको। जैसे अगर हम बात करें कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल जो है ये घूम रहा है ऐसे, ठीक, तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस हो गया आर, इसका मास एम, ये इस सर्किल में घूम रहा होगा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, इसका मास और एक्सिस इसका जो डिस्टेंस है पार्टिकल का आर का स्क्वायर, तो ये बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मास ज्यादा होगा तो भी रोटेशनल मोशन को ज्यादा, रोटेशनल मोशन में चेंज को ज्यादा अपोज करेगा, अगर यहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी जो है रोटेशनल मोशन में चेंज को ज्यादा अपोज करेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है ना। अब उसको थोड़ा सा फील करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है यहां पर फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहां पर दो तरीके के फैन है, ये फैन है जो नॉर्मल जो है सीलिंग फैन होता है, इसमें तीन ब्लेड हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास है एम, ठीक, और यहां पर एक ऐसा फैन है जिसका जो ब्लेड है वो नॉर्मल तरीके का नहीं है, यहां से पतला सा एक वायर है और ये जो सारा मास है एम, ये सारा मास यहां पर किनारे कॉन्सेंट्रेटेड है एम मास, इस ब्लेड का भी मास एम था, इसका भी मास एम है, लेकिन यहां पर सारा मास जो है किनारे चले गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें मास जो है ज्यादा दूर चले गया, इसमें मास तो यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें मास ज्यादा दूर चले गया है, अब होगा क्या कि सपोज ये भी ओमेगा से घूम रहा है और ये भी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक, हम लोग फोर्स लगा करके रोकना चाहते हैं, मैं एक फोर्स यहां पर किनारे पर फोर्स लगा करके रोकना चाहता हूं, इसको भी ये घूम रहा होगा ऐसे, तो इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स F1 लगा देंगे, ये ऐसे घूम रहा है तो इधर से फोर्स F2 लगाएंगे। ठीक, अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा फैन है जिसका ब्लेड, उस पर मास यूनिफॉर्म है यहां से यहां तक, और एक ऐसा फैन है जिसका ब्लेड में इधर मास ही नहीं है, यहां पर बड़ा सा मास है गोल। ठीक, दोनों घूम रहे हैं, अगर मैं हाथ लगा करके रोकता हूं तो कौन सा ब्लेड ज्यादा हाथ पर चोट लगाएगा, ऑब्वियसली वो वाला ब्लेड ज्यादा चोट लगाएगा जिसमें मास जो है वो किनारे है, मतलब ये वाला जो है हमारे हाथ पर ज्यादा चोट लगाएगा।
ज्यादा चोट लगाने का मतलब ये हुआ कि हमने ज्यादा फोर्स लगाया है उसको रोकने के लिए। आप देखेंगे दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, है ना, लेकिन रोकने के लिए जो हमने फोर्स लगाया वो इस पर ज्यादा लगाया। इस पर ज्यादा क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों है? मास तो दोनों का बराबर है लेकिन आर इसमें ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा मास दूर चले गया है। इसमें कुछ मास पास में भी तो है, यहां भी मास है, यहां भी है ना। ये तो सबसे दूर वाला मास जो है वो आर पर है, बाकी सब अंदर भी है। इसमें तो सारा मास ही आर डिस्टेंस पर है। तो इस केस में जो मास है वो एक्सिस से ज्यादा दूर चले गया है, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ एनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ एनर्शिया इसकी ज्यादा है और इसलिए ये चेंज को ज्यादा अपोज करता है। चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग? ये ओमेगा से घूम रहा है, इसको हम लोग रोकना चाह रहे हैं, है ना। तो उस चेंज को ये ज्यादा अपोज करता है और इसलिए इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ज्यादा फोर्स कैसे पता चला? क्योंकि हमारे हाथ पर चोट ज्यादा लगेगा जब इसको रोकेंगे, तो इसको रोकेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ एनर्शिया का डेफिनेशन। मतलब सिंपल बात कहें कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालना हो, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ, या कर सकते हैं मोमेंट ऑफ एनर्जिया कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे फॉर अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास। जैसा कि मैंने यहां फिगर बनाया बिल्कुल वैसा ही है। ये एक्सिस हो गया और इस एक्सिस से मैं मान लेता हूं कि आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है एम मास का, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध दिया गया और ये सर्किल में घूम रहा है। तो अगर इसकी मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल का लूंगा मास और इस पार्टिकल का एक्सिस से लूंगा डिस्टेंस जो कि आर है, तो आर स्क्वायर। इस तरह से किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एनर्जिया जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। यहां पर ध्यान रखना है कि एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। अब जैसा कि हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा सेंटर ऑफ मास, तो उस सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम लोग पोजिशन लोकेट करते थे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते थे कि सेंटर ऑफ मास का। यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सिस है। यहां पर सारा डिस्टेंस हम लोग एक्सिस से मेजर करते हैं, चाहे हमें आगे कोई भी क्वांटिटी निकालनी होगी। आगे हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, यहां हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सब में जो डिस्टेंस लिया जाता है वो एक्सिस से लिया जाता है, है ना। यहां पर एक्सिस को एक तरह से समझा जाए कि ये ओरिजिन है, वहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे। जबकि सेंटर ऑफ मास जब हम लोग कैलकुलेट करते थे तो जैसे M1 R1 + M2 R2 में R1 R2 जो हमेशा ओरिजिन से लिए जाते थे, तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस रोटेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सिस। तो ध्यान रखना है कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस के बारे में सर्कुलर मोशन में बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस सर्किल का सेंटर से पास करने वाला वो लाइन जो उस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, जैसे यहां पर ये वाला लाइन है, ये लाइन एक्सिस बन जाएगा, ठीक। तो ये एक्सिस के बारे में हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उनका मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग अब देखने वाले हैं। ऐसा मान लेता हूं कि ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट कई सारे पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहे हैं। जैसे एक पार्टिकल है जिसका मास M1 है ना, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है M2, और एक तीसरा पार्टिकल है उसका मास है M3। अब ध्यान ये रखना है कि चूंकि तीनों पार्टिकल का जो सिस्टम है वो रिजिड बॉडी है, तो तीनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होंगे और सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे।
तो ये मान लिया कि R1 डिस्टेंस पर है यहां से, ये R2 डिस्टेंस पर है और ये R3 डिस्टेंस पर है, तो तीनों पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहे होंगे। जो सिस्टम है वो एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ एनर्शिया हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे, हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकाल करके ऐड कर देंगे। जैसे इसका निकालेंगे एम वन आर वन स्क्वायर, फिर इसका लिखेंगे एम टू आर टू स्क्वायर, और फिर तीसरे वाले पार्टिकल का एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ एनर्शिया आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। जैसे ये मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां पर अपने पास तीन पार्टिकल्स दिए गए, है ना। ये पार्टिकल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, इसका मास जो है ये मान लेते हैं 4 किलोग्राम, और इसका मास भी ले लेते हैं 2 किलोग्राम, ठीक। और इनका जो लोकेशन है, ऐसे ही मैं ज्वाइन कर देता हूं क्योंकि ये जो सिस्टम है ये रिजिड बॉडी होगा, ठीक है, किसी तरह से ज्वाइन किया हुआ इनको। अब इस ये तो ओरिजिन पर है और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि 4,0 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमने मान लिया कि ये है 2,3, ठीक। अब ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब यह हुआ कि जो पूरा सिस्टम है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। तो देखेंगे ये जो पार्टिकल है ये तो ओरिजिन पर है तो घूम ही नहीं रहा होगा, है ना, और ये जो पार्टिकल है ये इस बड़े से सर्किल में घूम रहा होगा, यानी इसके सर्किल का रेडियस होगा 4 मीटर। अच्छा, ये वाला जो पार्टिकल है ये छोटे से सर्किल में घूम रहा होगा, इसका जो रेडियस होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही जो है सर्किल का रेडियस बन जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यानी इस रेडियस, ये जो रेडियस है इसकी लंबाई हो जाएगी 2 मीटर। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालूं तो इसका मास तो है इसके पास, लेकिन आर इसके लिए 0 है क्योंकि ये ओरिजिन पर है। इस पार्टिकल की बात करें, इसका मास है 4 kg, इसके लिए आर जो है 4 मीटर लगेंगे, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे इसका। और ये तीसरा वाला पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg, है ना, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है 2, यानी 2 मीटर का रेडियस का सर्किल में घूम रहा होगा, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसके लिए आर 2, इसके लिए आर की वैल्यू 2 और इसके लिए आर की वैल्यू 4। तो ये देखेंगे आ जाएगा 64 + 8, है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा 72 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो है मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट किया। हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो केस है उसके लिए हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करना अभी सीखा है यहां पर। इसमें कई सारे पार्टिकल्स थे, है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मास होता है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में बिखरा होता है, तो वैसा ही कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां हमने देखा और इसके लिए हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया का कैलकुलेशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें कि मास कंटिन्यूअस हो, तो उसकी मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे मैंने एक फिगर बनाया यहां पर, ये रॉड है। क्या करेंगे, अगर ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो तो यहां से r डिस्टेंस पर dr लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा dm, है ना। तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया जब हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी कि di इज इक्वल टू, या डायरेक्ट मैं i लिख देता हूं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा ये आ जाएगा dm, क्योंकि छोटा सा पार्टिकल है इसका मास dm और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ऐसा एलिमेंट हम लोग यहां लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना।
तो ऐसे एलिमेंट हम लोग यहां से लेकर के यहां तक लेंगे और हर एलिमेंट का मोमेंटम इनर्शिया निकाल करके जोड़ देंगे। ये इंटीग्रेशन का मतलब ये खुद ही जोड़ देगा। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर जो डीएम है, डीएम इज मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी आर एंड मास डीएम लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, वैसे ये लेंथ ना भी लिखे तो भी चलेगा, है ना। एलिमेंट ऑफ मास डीएम लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस, आपको याद हो ऐसा ही कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था जब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया था। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था कि डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाई डीएम का इंटीग्रेशन, तो वहां भी ऐसा ही फिगर था और कहा था कि डीएम क्या है, एक छोटे से एलिमेंट का मास है जो कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है। वहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस लेते थे, यहां पर एक्सिस से डिस्टेंस लिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन इंपॉर्टेंट था और रोटेशनल मोशन में एक्सिस इंपॉर्टेंट है। सारा डिस्टेंस हम लोग यहां पर एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसको हम लोग यूज करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे एक हम लोग किसी यूनिफॉर्म रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके चेक करते हैं। हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its one end and perpendicular to its length, है ना। जैसा फिगर में यहां दिखाया गया है कि एक रॉड है और इसका लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसी में हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं वो फिगर फिर से बना देता हूं यहां पर। जैसे ये रॉड हो गया और ये हो गया एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो कैसे निकालेंगे, वो मास निकालेंगे लैम्डा इंटू डी आर। लैम्डा क्या होता है, ये होता है लीनियर डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है। तो एम बाई एल, अगर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो डी आर लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू एम बाई एल इंटू डी आर। तो ये छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। अगर मैं यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो डीएम की वैल्यू यहां से रखेंगे एम बाई एल इंटू डी आर, ये हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें हमें लिमिट रखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि जो रॉड है इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ एल है, तो ऐसा एलिमेंट हमें यहां से लेकर के यहां तक लेना पड़ेगा, यानी आर का जो लिमिट होगा वो जीरो से एल तक होना चाहिए। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि एम बाई एल, इसको बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा आर स्क्वायर डी आर, लिमिट रखेंगे जीरो से एल। तो इंटीग्रेशन के बाद आएगा एम बाई एल, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री, लिमिट रखेंगे जीरो से एल। तो एम बाई एल लिमिट रखने के बाद यह आ जाएगा एल क्यू बाई थ्री, है ना। तो देख सकते हैं कि यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, है ना, ये मोमेंट ऑफ एनर्जी आया रॉड का अपने एक एंड के अबाउट। ठीक, दूसरा केस देखते हैं इसमें, मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो इस बार अगर मैं फिगर बनाऊं तो जैसे ये हो गया अपना रॉड और एक्सिस इस बार ऐसा है, मतलब कि उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और लेंथ के परपेंडिकुलर भी है, तो ये रॉड जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम लोग यहां पर एलिमेंट लेंगे, यहां से आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसका जो मास होगा इस एलिमेंट का वो भी इसी के, जैसे यहां पर हमने निकाला था एलिमेंट का मास, वैसे ही एलिमेंट वहां भी ले रखा है, तो इसका मास लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी आर, यानी कि एम बाई एल इंटू डी आर। ठीक, अब जो है क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो लेंथ रॉड का एल बाई टू इधर भी होगा और एल बाई टू उधर भी होगा, तो जब हम लोग मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे जो मैंने यहां पर बताया है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहां पर जो डीएम की वैल्यू है यहां से रखेंगे एम बाई एल डी आर, ये हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर, फिर इसमें लिमिट रखेंगे। अब ध्यान रखना है कि लिमिट क्या रखा जाए, इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म मैं बाहर रख देता हूं आर स्क्वायर डी आर। अब लिमिट का ध्यान रखना है तो आप देखेंगे कि आर जो हमने यहां से मेजर करना शुरू किया, यानी यहां पर आर का वैल्यू होगा जीरो और इधर इंक्रीजिंग आर है, यानी यहां पर आर का वैल्यू आएगा प्लस एल बाई टू। अगर इधर आर बढ़ रहा है तो इधर आर घटना चाहिए, यहां पर आर जीरो है तो इधर निगेटिव में चले जाएगा, तो यहां पर आर का जो वैल्यू है ये आएगा माइनस एल बाई टू, यहां पर आर की वैल्यू माइनस एल बाई टू, यहां पर आर का वैल्यू प्लस एल बाई टू। तो यहां पर जब लिमिट रखेंगे तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू रखेंगे, कारण ये है कि हमें जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट यहां से लेकर को वहां तक लेने पड़ेंगे, इसलिए लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन की वो प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर मैं माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो अगर ये जो है अगर ये ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए इंटू टू, है ना, जैसे अगर मान लिया जाए कि अपने पास कोई ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा हो, ये है माइनस ए और ये है प्लस ए, तो एरिया आप निकालेंगे तो देखेंगे जीरो से ए तक वैसा ही एरिया है जितना माइनस ए से जीरो है, तो जीरो से ए निकाल करके दोगुना कर देंगे, वही काम यहां पर हो रहा है, माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से ए तक निकाल के दोगुना कर देंगे, तो जीरो से ए कर दिया इसको डबल कर दिया हमने, तो यहां पर भी वैसे ही कुछ हो रहा है। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं एम बाई एल, लिमिट रख दूंगा जीरो से एल बाई टू और यहां पर जो है टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाहर, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, तो इधर हो गया बाहर टू एम बाई एल, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा आर क्यू बाई थ्री, आर क्यू बाई थ्री और लिमिट रखेंगे जीरो से एल बाई टू, तो ये हो गया टू एम बाई एल, नीचे थ्री भी है तो मैं यहां थ्री रख देता हूं और यहां पर एल बाई टू रख दूंगा तो ये हो जाएगा एल क्यू बाई एट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो आया ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12, नीचे क्या आया 8 इंटू थ्री 24 और ऊपर 2 है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं,
तो 4 इंटू 3 12 हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 मोमेंट ऑफ एनर्जिया आएगा मिड पॉइंट के अबाउट, है ना। अब आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि इस मिड पॉइंट के अबाउट हमने निकाला तो एम एल स्क्वायर 12 आया है, और इस वन एंड के अबाउट निकाला तो ये आया है एम एल स्क्वायर बाय 3, ये जो है ये बड़ा आया है इससे, है ना, मतलब कि इससे चार गुना बड़ा है वो। अगर इससे चार गुना बड़ा है वो इसलिए है क्योंकि एक्सिस से इसमें मास ज्यादा दूर तक गया है, यहां पर एक्सिस बीच में कर दिया तो मास उतनी दूर जा, एल डिस्टेंस पर तो कोई मास ही नहीं है, सारे मास जो है एल बाय टू डिस्टेंस के अंदर ही रह गए, है ना। तो इसमें मास जो है एक्सिस के पास में आ गए हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ एनर्जिया जो है वो यहां पर कम हो गया है। तो जैसे हमने रॉड के लिए दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड किया है, अब जो है एक ऐसा एक्सिस दिया गया है जो कि रॉड के मिड पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन लेंथ से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। हमें बताना है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो इसमें भी हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए। एलिमेंट कंसीडर कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये जो सेंटर है यहां से r या r डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से r डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस ले सकते हैं, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक। तो ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है इसका मास कितना आएगा, इसका मास आएगा लैम्डा इंटू dx, जैसे वहां dr लेते थे तो लैम्डा इंटू dr आता था, यहां पर लैम्डा इंटू dx आएगा, लैम्डा की वैल्यू लग सकते हैं मास बाय लेंथ इंटू dx। अब देखेंगे कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो यहां पर इस सर्किल में घूम रहा होगा ऐसे, क्योंकि ये जो रॉड है ये कुछ इस तरह से घूमेगा, ये वाला पॉइंट इस तरह से घूमेगा, है ना, ये इस तरह से ऐसे घूम रहा होगा धीरे धीरे। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये इस रेडियस के सर्किल में घूमेगा। अब इसका रेडियस हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये तो हमने x ले लिया है, है ना, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक्सिस है, यहां से r डिस्टेंस पर ये छोटा सा एलिमेंट है और ये हमने x ले रखा है, ये थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है जो मैंने यहां दिखाया, ये r है, इसके सर्किल का रेडियस ये है, और ये वाला एंगल वर्टिकल जो एक्सिस है इसे रॉड थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये थीटा है। तो देखेंगे कि अगर ये x दिया है, ये थीटा दिया है, तो r की जो वैल्यू है उसको मैं x के टर्म में लिख सकता हूं, ये आ जाएगा x साइन थीटा, है ना, यानी कि x साइन थीटा रेडियस के सर्किल में ये जो पार्टिकल है ये घूम रहा होगा। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना हो तो मैं लिखूंगा dm यानी उसका मास इंटू आर स्क्वायर, तो dm की वैल्यू यहां से रखेंगे m बाई एल इंटू dx, ये तो dm हो गया, r की वैल्यू यहां पर है x साइन थीटा, तो x स्क्वायर यानी x साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है तो x साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर जो वेरिएबल है वो है x, तो मैं इसको जो कांस्टेंट टर्म है एम बाई एल इंटू साइन थीटा इनको बाहर कर देता हूं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स का लिमिट देखेंगे, एक्स यहां पर जीरो है और इधर इंक्रीजिंग एक्स है, तो यहां पर जाएगा तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस एल बाई टू, यहां पर एक्स का वैल्यू जीरो है और यहां पर आएगा एक्स का वैल्यू माइनस एल बाई टू, तो इसको लिखेंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक। तो जैसा पिछले वाले पार्ट में हमने किया था वैसा यहां भी कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जीरो से एल बाई टू कर देंगे, इंटीग्रेशन जीरो से एल बाई टू कर देते हैं और यहां पर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो है ये आ जाएगा x क्यूब बाई थ्री, लिमिट रखेंगे तो l बाई टू का होल क्यूब बाई थ्री,
इसको सिंपलीफाई करके आप देखें, यह आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया की वैल्यू आ गई। तो यहां पर जो हमने मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकाला था जब ये परपेंडिकुलर था तो आया था एम एल स्क्वायर बाई 12, और जब इंक्लाइन है तो ये आया है एम एल स्क्वायर बाई 12 तो आया, ये साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी आया है। अगर इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो ये वाला केस बन जाएगा, है ना। तो थीटा 90 डिग्री करने से साइन 91 होता है, तो देखेंगे थीटा 90 करने से ये वापस एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, यानी वो जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला सही है, उस फॉर्मूले से हम लोग ये वाला जो आंसर है वो भी फाइंड कर सकते हैं।